हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। आज हम सोशल स्टडीज सब्जेक्ट करेंगे और सोशल स्टडीज़ में लास्ट टाइम हमने कम्युनिकेशन लेसन नंबर 17 पूरा रीड किया था। उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने आपको अंडरलाइन करके दिए थे और आपने उसको रीडिंग भी करनी थी चैप्टर की और अंडरलाइन वर्ड्स को समझना था और उसके स्पेलिंग्स लर्न करने थे। आज हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको आएगा और वैसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है और हम उसको पार्ट्स में करेंगे। एक्सरसाइज को भी क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन इन तीनों में से करेक्ट है हमने उस पर टिक करना है। फर्स्ट, व्हेन वाज ऑल इंडिया रेडियो इस्टेब्लिश्ड। ऑल इंडिया रेडियो कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब फॉर्म में आया था? 1939, 1936 एंड 1969। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1936। व्हेन इज द फास्ट Which is the fast way to receive urgent messages? Urgent messages receive करने का fast तरीका क्या है? Television, newspaper, telegram. So हम telegram is the right answer. तो हम telegram पे tick करेंगे। Third, for how many hours FM provides music online? FM music कितने आवर्स के लिए प्रोवाइड करता है? ये बात आपको भी पता होना चाहिए कि FM 24 आवर्स म्यूजिक प्रोवाइड करता है। विच मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन इज हेल्पफुल फॉर द इलिटरेट? इलिटरेट जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उनके लिए कौन सा हेल्पफुल है मीडियम मास कम्युनिकेशन का? न्यूज़पेपर, रेडियो या लेटर? अब न्यूज़पेपर और लेटर में तो पढ़ना पड़ेगा, रेडियो में सुन सकते हैं तो सुन के भी हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। सो रेडियो आंसर आएगा। व्हाट हेल्प अस टू सेंड ईमेल्स? ईमेल्स हम किस तरीके से भेज सकते हैं? रेडियो, इंटरनेट, टेलीविजन। इंटरनेट, इंटरनेट होता है तो हम ईमेल भेज सकते हैं। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फर्स्ट, डैश हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद लार्ज ऑडियंस। लार्ज ऑडियंस से कम्युनिकेट करना हो तो क्या होता है, क्या हेल्प करता है हमें? हम लिखेंगे मास कम्युनिकेशन, जैसे न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन। इस सब चीज़ों से हम, इस सब मीडियम से हम बहुत सारी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। सो मास कम्युनिकेशन। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश फिल्म्स, फीचर फिल्म्स। डैश प्लेस सॉन्ग 24 आवर्स, ये हमने अभी पढ़ा। क्या है? रेडियो। कंप्यूटर इज अ डैश डिवाइस। क्या है कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक लिखेंगे। ओके, डैश फोन वॉज लॉन्च्ड इन 2007। ये तो आप सब बच्चों को आता होगा। कौन सा फोन लॉन्च हुआ था? आईफोन। सो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स तो हम, मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, बट आपने लर्न आपने करने हैं। कौन सा क्वेश्चन के साथ कौन सा आंसर करेक्ट है वो भी आपने ध्यान रखना है। सो हम ये टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स आपने अपनी नोटबुक में करना है और इसके आंसर्स लर्न करने हैं। और हम बहुत स्लोली स्लोली आराम से कर रहे हैं जिससे आपके ऊपर बिल्कुल भी कोई भी बर्डन ना आए। इसलिए आज हम जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं पहले वो करेंगे और फिर हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स जो लेंदी हैं वो करेंगे। सो अगर आप डे वाइज करेंगे तो आपको कोई इससे इजीएस्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। आपको पूरे दिन में सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने हैं, वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो और आप उसको अच्छे से करेंगे तो आपको याद भी रहेगा। अब थर्ड क्वेश्चन डी, मैच द फॉलोइंग करेंगे हम। क्वेश्चन आंसर्स हम जैसे मैंने बताया नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिससे कि अगर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तो वो भी आपको याद करने में ईजी रहेगा।
सो डी मैच द फॉलोइंग. इसमें हम करेंगे, अब यहाँ पे दिए हुए हैं मीडियम्स, रेडियो, न्यूज़पेपर, कंप्यूटर, पोर्टल सर्विस और मोबाइल. हमने इन ऑप्शंस से जो करेक्ट है उसके साथ मैच करना है. अब रेडियो को हम किससे करेंगे, आईफोन, टेलीग्राम, ऑल इंडिया रेडियो, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंटरनेट. सो इजी, ऑल इंडिया रेडियो. न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर ये भी इजी है बहुत, आपको पता है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है. कंप्यूटर, अभी हमने पढ़ा कंप्यूटर में इंटरनेट होता है, तो हम उसको कोई भी काम, हमने ईमेल्स भेजने हो, कुछ भी हो, वो हम कर सकते हैं. पोर्टल सर्विस, पोस्टल सर्विस कौन सी है, टेलीग्राम. और मोबाइल, आईफोन. इजी, वेरी इजी. मैं इसमें नंबरिंग भी कर देती हूँ साथ साथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का ई, फोर्थ का बी एंड मोबाइल का ए, आईफोन 5. ओके, तो ये तीनों एक्सरसाइज ए बी एंड डी आपने करनी है अपनी नोटबुक में. और नेक्स्ट टाइम हम इसकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है, एक्टिविटी भी है, वो हम करेंगे. और आज आपने SST के वर्क के साथ ड्राइंग का वर्क भी करना है क्योंकि संडे है. सो आप ड्राइंग में पेज नंबर 17 आपकी ड्राइंग बुक का एंड पेज नंबर 18 में कैट है, आपने क्या करना है, कलर दिस कैट एज शोन नेक्स्ट टू इट बाय यूजिंग क्रेयॉन्स. अब आपने ये ड्रॉ भी करनी है, आप अपनी ड्राइंग बुक में जो नोटबुक है उसमें आप करेंगे. पहले आप ये पूरी कैट ड्रॉ करेंगे ऐसे एंड फिर उस पर इस तरह से कलर करेंगे, येलो एंड देन जो भी इसका कॉलर है उसका भी एंड जो भी कलर है पीछे बैकग्राउंड में ब्लू करेंगे. सो आपने ये करना है. और ये जो फैक्ट फाइल भी दिया हुआ है, एन एडल्ट कैट हैज़ 42 टीथ, ये भी आपको नॉलेज देने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप ये पढ़ेंगे और उसको आप ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है. नेक्स्ट पेज नंबर 20 पे लिली फ्लावर, इसमें क्या करना है, ऑब्जर्व दिस कलर्ड पिक्चर ऑफ फ्लावर, मीन्स ये जो है, एंड देन कलर द इनकम्प्लीट पिक्चर बाई यूजिंग शेड्स ऑफ क्रेयॉन्स. क्रेयॉन्स की हेल्प से आपने ऐसा, अब आपने इसको आप ड्रॉ भी करने की भी कोशिश करेंगे. ये आप पिक्चर देखेंगे, आप इसको ड्रॉ करेंगे और उसमें फिर आप ये कलर करेंगे. ओके, क्रेयॉन्स यूज करने हैं इसमें, और इसमें भी कैट वाले में भी आपने क्रेयॉन से करना है. सो SST एंड ड्रॉइंग दोनों का वर्क आप करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे. ओके, थैंक यू.